हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप? और आज आपको लेके चल रही हूँ छत पे और नज़ारा दिखाती हूँ छत का। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, देखिए हालत, क्योंकि ये बॉक्स वगैरह मैं जूते वगैरह रख दूँगी, ये स्कूल का जूता इसको फेंकूँगी। और हालत देखिए, जाले वगैरह कितने लगे हुए, जाले झाड़ने वालों से लेती हुई आई मैं। आपको थोड़ा छत का नज़ारा दिख रही, नहीं आती हूँ ना साल भर, अब एक दो महीने आएंगे। और ये देखिए, आपको मैं पहले दृश्य दिखा देते हैं, ये है छत का। और ये शुक्र है साफ है, थोड़ा इसको भी करेंगे साफ। और ये देखिए, ये डंडी फंडी मैंने थोड़ा सा रखी हूँ इधर, फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों नहीं आप लोगों को साथ शेयर करूँ ये नज़ारा। तो ये देखिए, इस डंडी सबको भी तोड़ के हटाऊँगी, क्योंकि लटका हुआ, अब ठंड में बैठना पड़ेगा थोड़ा, बहुत ही अब ठंड लगती है। तो ये सब पूरा साफ करती हूँ, थोड़ा टाइम मैंने कि आज संडे है ना, आज कर लेते हैं ये सब। बाप रे, उसमें बाल कितना है देखो, कहाँ से आंधी आंधी आई होगी ना। तो चलो जी, आप बने रहो आप लोग, और मैं क्या कैसे करती हूँ वो पूरा छत वगैरह, इतना पूरा नहीं क्लियर दिखा पाऊँगी, ये सब तोड़ना पड़ेगा सारा। ये देखो कितने धूल पड़े हुए हैं, और ये घर बन रहा है टूट करके, इतना धूल मिट्टी आ रहा है मैं बता नहीं सकती। तो ये दिखा दी मैं ये नज़ारा सब, ओह तो पहले मैं जाल झाड़ने वाला घर ले आती हूँ ना नीचे से, फिर शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा दिखाने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर करके दिखाती जाऊँगी आप लोगों को। तो साथ साथ चलते चलते क्यों नहीं इस जूते को फेंक दूँ, स्कूल का जूता था, कचरे में डाल दूँगे डस्टबिन में, तो ये हमारा जाएगा फेंका। आज तो हमारा पूरा कचरा वाला डब्बा फिर से भर जाएगा। तो जी बने रहो, आंगन आंगन तो सुबह सफाई कर ली थी, आज एकदम से याद आ गया, चलो ऊपर क्यों ना करूँ। तो जाली झाड़ने वाला भी ले लेती हूँ, ले लिया जाली झाड़ने वाला। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जाली क्यों ना झाड़ के हटाऊँ, है ना, जाली झाड़ते हुए इसको बड़ी साइज कर लेती हूँ। अरे रब्बा, मोटर को भी रख दूँगी, अब यूज नहीं, अंदर बॉक्स में रखूँगी सबको, बड़े अच्छे से हो जाता है ये देखिए। और राम अमृत वाणी हमारी चलती रहती है, बहुत टाइम लगेगा साफ करने में। चलो जी आप लोग बने रहो, मैं पहले जाला वगैरह ये रब्बा मिलती हूँ। तो ये ऊपर का जाला, नीचे की सफाई हो चुकी, अभी पानी से बाकी है, आता हुआ है भाई। इतने में हो गई मेरी हालत ख़राब, बहुत थक चुकी हूँ मैं, और इस रूम को भी मैंने थोड़ी साफ़ कर दी। ऐसा लग रहा है कि मिर्ची जैसे चुभ रहा है, मतलब जो धूप भी तेज़ लग रही है। मैंने कहा इसको सफाई करते समय दिखा नहीं पाऊँगी मैं फिर, क्योंकि मोबाइल भी बहुत ही धूल मिट्टी हो जाएगा। मैंने कहा एक बार ये दिखा देती हूँ, और एक बार फिर साफ़ सफाई करने के बाद। ये हालत बहुत ही ख़राब हो गई, मर गई मैं गर्मी से, ऐसा लग रहा कि दिमाग गर्म हो गया पूरा। और ये देखिए आप लोग, पूरे छत को मैंने साफ़ कर दी, और दो तीन जगह मैंने कचरे जमा किए, इस एक कोने में, एक उस कोने में, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, एक दो तीन जगह रखी हूँ, ये दरवाजे के पास भी रखी हूँ। हालत बहुत ही ख़राब हो गई, और पूरे पैसे को साफ़ कर दी हूँ मैं, ये देखिए आप लोग। अब क्या ना, बस कचरा उठाऊँगी, नहीं होगा पत्ते में आग लगा दूँगी, उठा के नहीं ले जा पाऊँगी इतना। तो बहुत थक गई हूँ मैं आज से, बहुत मतलब पैर तो ऐसा लग रहा है कि मजदूर का पैर होता है ना, गंदा धूल धूल धूल। अब तभी जा रही सोच रही हूँ कि दो बाल्टी पानी लेके सीढ़ी में डाल दूँगी कि पानी अपना साफ हो जाए, और ये कचरा जब होगा, बहुत तेज़ धूप हो रही, मैं सोच रही धूप में बैठने लायक है लेकिन नहीं है। उसके साथ साथ मैं क्या क्या ले लेती हूँ अपना ऊपर से, ये मोबाइल ले ली थी कि किसी का फ़ोन होना है, और गाना चल रहा था इसमें। दूसरी चीज़, ये दरी पिछले साल की है जो हमने ऊपर लेके आया था, और इसको हमने वो नहीं किया था, तो उसको लेके नहीं गई थी। तो अब चल रही हूँ नीचे, झाड़ू रहने देती हूँ एक बार, देखती हूँ टाइम लगता है ना, तो नाश्ता भी बनाने बाद मैंने टाइम लगेगा। होंठ कितने पिंक लग रहे, देखो अजीब सा ही लग रहा, पिंक है नहीं वैसे इतना अंधेरे में। तो सीढ़ी भी साफ हो गया, बस पानी डालना है। और ये देखिए, ये गंदा रहता है ना भरा हुआ, पता नहीं चलता। अब ये देखिए, हमारे गाँव सब में भी ऐसे डाले जाते हैं कि वो आजकल ग्रील वाला सिस्टम हो गया, तो
इसको मैं एक बार रख देती हूँ और हाथ पैर धो करके देखती हूँ नाश्ता पानी का। अब ये और देखती हूँ, अब लग रहा है वही अपना रूप आ गया। बहुत हाथ पैर धो रही थी, मिलती हूँ आप लोग उसको नाश्ता पानी में बनाना है ना हमें। ये हमारी छत की पूरी सीढ़ी, मतलब छत को मैंने साफ कर ही दी थी, लेकिन सीढ़ी दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्लीन हो गया, सिलेंडर वगैरह सब कुछ यहाँ से हटा दिया, देखिए साफ हो जाता है ना अच्छे से। अब कल से क्या है ना कि बस धुलाई वुलाई अच्छे से कर दी, धुल दी, सूख भी गया। अब हम क्या करेंगे, आराम से ऊपर जाने का तो अभी है नहीं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं, कल था सैटरडे तो शनिवार और रविवार वाला इस बार से शुरू हो रहा है हमारा व्रत। तो बस सोपिन के लिए क्या बना था, ये मैंने ग्रेवी बना दी इतना, ठीक है ग्रेवी बना दी कि रात को भी चल जाएगा जो भी होगा। और ये पकौड़ा नहीं खाता ऐसे, तो मैंने पकौड़ा बना के प्याज के रख ली हूँ। और कढ़ाही में रिफाइंड डाल दी मैंने कि ये ग्रेवी के साथ पूरी खा लेगा अपना, और रात को देखेंगे अगर नहीं खाएगा तो नमकीन चावल और ये कर देंगे। अब मैं नमकीन चावल दही खा लेगा, अब बर्तन कर लूँगी और बाल धो के फिर से नहाना है। तो आज जो होगा चूड़ा दूध वाला होगा, दही वाला नहीं होगा। तो मैं पूरी बना लेती हूँ, मैंने कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। बर्त रहे या कुछ रहे, लेकिन आज मैंने छत की सफाई की। थोड़ा मेहनत करो और रिजल्ट अच्छा आता तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेहनत करने के बाद थोड़ा लगता है ये टाइम। तो अभी सोपिन का नाश्ता भी नहीं बनाई, अब मैं दिखाऊँ अगर ये देखिए मैंने ये पोहा धुल के रखी थी चूड़ा, लेकिन सोपिन आज नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि लेट ही उठा तो क्या करेगा नाश्ता। मैंने कहा चलो 4-5 बजे इसको बना दूंगी पोहा, और मैं बना लेती हूँ पूरी, बने रहो आप लोग। ये हमारी पूरियाँ बनना स्टार्ट हो चुका है। देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, पूरियाँ बना के रख देती हूँ। अब ठंड भी हो जाएगी, मतलब ठंडा भी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे भी बाल धुलना है। मैंने तो सोची थी कल धुल गया हो गया, लेकिन आज फिर से धुलना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले इन लोगों की पूरी उड़ी बना के रख देती है इसका, और ये जब भी मन होगा इसको अपना खाए। ठंड में ना मन भी करता कि सारी पहन लूँ, लेकिन वो ठंड है ना तो मन उतर जाता। तो चलो जी मैं सारी पूड़ियाँ बना लेती हूँ और आप लोगों से इधर भी बेल के रख ली हूँ, फिर मिलती हूँ पूरा खाना बनाने के बाद। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और बज रहे हैं 2, तो आज दही नहीं खाना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये है क्योंकि दूध से मेरी बहुत गैस बनती है, मैं क्या करूँ सूखा खा नहीं सकते हैं। तो आप ये देखिए चूड़ा मैंने भिगो ली हूँ, ये ले लिया गुड़, ये दूध, केला, और भगवान जी को भी मैंने प्रसाद दे दी। चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगली बार से तो दही खा सकते हैं। अभी बाल गीला है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। तो मैंने कि चल एक संजय थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि कितने सारे लोगों को पता भी नहीं होता है ना। और भगवान जी ऊपर वाले सो को भी अभी पूजा की हूँ, आज बहुत लेट हो गया। तो ठीक है जी आप लोग बने रहना, मैं पूजा मतलब सब कुछ कर ली हूँ, बस थोड़ा सा वो जल दे के वो कर लेती हूँ। और ये मेरे बाल खुलती जा रही है, इसको भी सर पे वो थोड़ा लूँगी और फिर मैं एक समझा करके और फिर मिलती हूँ बाद में शाम को। तो देखती हूँ चाय पीने का मन करता है तो पीऊँगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी, तो बने रहना आप लोग। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हो चुके हैं शाम और अभी बज रहे 5:30, लेकिन सूरज देवता मुझे लग रहा है कि डूबने वाले हैं। बस मैं पानी पी लेती हूँ, मैंने सोचा थोड़ा चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, लेकिन मेरा मन बहुत अस्त व्यस्त, दूध ये छोड़ दिया फिर मैंने, मैंने कहा नहीं मन ही बहुत वो लग रहा है अस्त व्यस्त, क्योंकि दूध से गैस बनता है ना, थोड़ा सा दूध जो चूड़ा के साथ खा लिया। सोपिन को बोल लग गए बहुत तेज भूख, क्योंकि आज नाश्ता नहीं किया था, खाना ही खाया, तो मैंने पोहा भिगो के रखी थी, अब उसको भूख लगी है। तो देखिए पोहा बना दिया, नमकीन तो है नहीं हमारे पास, तो चटनी के साथ ये खा लेगा। मैंने कहा इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देती हूँ, बहुत मतलब ऐसा लग रहा कि मन अस्त व्यस्त सा, पानी पी लेती तभी क्योंकि रात बहुत लंबी, अभी शाम हुए 5:30, अंधेरा हो चुका है। बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से, कल सोमवार है। और मैंने सुबह के लिए छोले भी भिगो दिए, क्या बनाऊँ क्या पत्ता गोभी पर ही है, लेकिन पत्ता गोभी एक दिन देखो हालत क्या हो जाती है ना। और मेरे आस मतलब 2-3 दिन से पेट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो छोले दे दी भिगोने के लिए। और देखो आज मैंने ये वाली स्वेटर पहन ली, जैकेट आज मैंने धुल दी हूँ, और धीरे धीरे सारे निकालेंगे एक एक करके। बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय। सब ने किए होंगे आज ये एक संजा, सब ने किए होंगे जो हमारे उधर बिहार के होंगे, सब ने ही कोई फल फ्रूट लेके करता है, कोई चूड़ा लेके करता है, जिसको जो होता है।